Following up with the third topic of the chapter, Through the Eyes of Traveller. Before starting with the notes of Fran Francios Bernier, I am going to explain you this pictorial graph which I created to explain his profession, his uh, how he served in the Mughal Empire, what roles he played. Okay. तो फ्रेंसियोस बर्नियर एक फ्रेंच मैन थे बाय प्रोफेशन ही वाज डॉक्टर पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन जब वो मुगल एम्पायर में आए थे 1656 में उन्होंने मुगल एम्पायर में जो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे प्रिंस दारा सुखो उनके लिए एज अ फिजिशियन काम किया था और कुछ टाइम के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग विद दानिश मंद खान एज एन इंटेक्चुअल एंड साइंटिस्ट तो इसलिए मैंने ये एक पिक्टोरियल ग्राफ बनाया है like, लाइक अगर आप ये चीज देखोगे ना ये पूरा पैराग्राफ जो था ये पैराग्राफ मैंने इसमें डाल दिया है अगर आप ये पढ़ो फिर इस चीज को देखो या फिर ये देखो फिर पढ़ो ना तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू क्रिएट नोट्स Of this particular paragraph. Okay. एक बार मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ फ्रेंच बर्नियर अ फ्रेंच मैन वॉज अ डॉक्टर पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन लाइक मैनी अदर्स ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही वॉज इन इंडिया फॉर ट्वेल्व इयर्स फ्रॉम सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटीन सिक्सटी एट एंड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा सुखो द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्पीरियर शाहजहां

शुरुआती द, शुरुआती दिनों में उन्होंने एज अ फिजिशियन वर्क किया था टू प्रिंस दारा सुखो जो कि एम्पीरियर शाहजहां के बड़े बेटे थे उसके बाद उन्होंने दानिशमंद okay. खान जो कि एक अर्मेनियन नोबल थे उनके साथ मुगल कोर्ट में काम किया था एज एन इंटेक्चुअल एंड साइंटिस्ट ओके आप प्लीज इसको यू कैन जस्ट टेक इट एज रेफरेंस नाउ कमिंग अप विद हिज वर्क बाउट वॉट ही सॉ इन इंडिया उनका काम था इस बारे में कि उन्होंने इंडिया में क्या देखा और उन्होंने जो भी इंडिया में ऑब्जर्व किया उन्होंने उसको यूरोप के सिचुएशन से कंपेयर किया उनकी जो राइटिंग थी उन्होंने जिस बारे में लिखा था उनकी लिखित काम जो थे उसने यूरोप के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करी थी उन्होंने अपनी सारी राइटिंग जो किंग थे फ्रांस के लु एक्स आई वी आ, मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लाइक बोल पा रही हूँ आई एम सो सॉरी फॉर दैट तो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको कि हिज राइटिंग वॉज डेडिकेटेड टू लुईज एक्स आई वी द किंग ऑफ फ्रांस अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लाइक like, पिक्टोरियल ग्राफ कह लो आप या टेबल कह लो मैंने ये बना दिया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए कि 1671 में उनकी जो राइटिंग थी उनकी जो लाइक like, बुक थी उन्होंने जो लिखी थी इंडिया के बारे में उन्होंने इंडिया में क्या देखा था वो पब्लिश हुई थी फ्रांस में और इंग्लिश डच जर्मन इटालियन में ट्रांसलेट की गई थी अगले पाँच सालों तक लाइक सिक्सटीन सेवेंटी से सेवेंटी वन में उन्होंने उनका जो काम था वो पब्लिश हुआ इंग्लिश डच जर्मन और इटालियन में ट्रांसलेट होता गया अगले पांच सालों तक फिर सिक्सटीन 1725 में उनका जो वही सेम द बुक ही रोट रीप्रिंटेड एट टाइम्स इन फ्रेंच मतलब उनकी बुक इतनी ज्यादा पड़ी गई कि उसको वापस से छापा गया एट टाइम्स इन फ्रेंच और 1684 में उनकी बुक का वापस से रीप्रिंट हुआ इन उनका जो काम था, मैंने जैसे कि बताया कि उनका काम बेसिकली लुइस एक्साइवी जो किंग ऑफ फ्रांस थे उन, उस, उनके लिए उन्होंने लिखा था और यूरोप के डेवलपमेंट में उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था उन्होंने इंडिया में जो बेड से बेड ब्लीक सिचुएशंस देखी उसको uh, यूरोप की situation, uh, situation से कंपेयर किया और फिर यूरोप में डेवलपमेंट हुआ उनका जो काम था वो ऑफिशियल्स को मिनिस्टर्स को एज अ फॉर्म ऑफ लेटर जाता था टू इन्फ्लुएंस दैम ओके सो नेक्स्ट Uh, मैंने देखो ये जो एक टॉपिक है ना आपका फ्रेंसियोस बर्नेरियर इसके थ्री टॉपिक्स बनाए फर्स्ट वो कौन थे ठीक है इसके लिए आप छोटा छोटा करके पूरा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो फिर हिज वर्क ठीक है उनका क्या काम रहा नाउ कमिंग अप टू हिज जर्नी टू द मुगल एम्पायर ओके सबसे पहली बात ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ही केम टू इंडिया इन सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स में वो आए थे और सिक्सटीन सिक्सटी एट तक वो वहाँ रहे ठीक है उन्होंने मुगल एम्पायर में एज अ फिजिशियन काम किया प्रिंस दारा सुखो जो कि शाहजहाँ के बड़े बैठे थे उनके लिए फिर बाद में उन्होंने एज एन इंटेक्चुअल और साइंटिस्ट काम किया दानिश मंद खान के साथ मुगल कोर्ट में ही ओके okay, सो so मैं इसके शॉर्ट नोट्स दिखा देती हूँ ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपर्चुनिटीज

अब इसी के साथ फ्रेंच साइज बर्न फ्रेंस बर्नियर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है और भी लाइक like, ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है तो यस yes, जब फिफ्टीन हंड्रेड में इंडिया फिफ्टीन हंड्रेड में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोर्टुगीज लाइक पोर्टुगल ट्रेवलर्स का आना जाना शुरू हुआ था उसमें कुछ कुछ फेमस ट्रैवलर्स थे जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीसुट रॉबर्टो नॉबली के बारे में जिन्होंने इंडियन सोशल कस्टम्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा था और उन्होंने इंडियन टेक्स्ट को भी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रा, ट्रांसलेट किया था फिर जो सेकंड फेमस ट्रैवलर एंड राइटर रहे वो थे द्वारते बरबोसा उन्होंने इंडिया के ट्रेड और सोसाइटी जो साउथ इंडिया में थी उसको लिखा गया लिखा था फिर सिक्सटीन में ऑब्जर्व किया गया कि काफी ज़्यादा डच इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेवलर्स का इंडिया में आ आना जाना शुरू हुआ था जो एक थर्ड फेमस राइटर एंड ट्रेवलर रहे वो थे फ्रेंच ज्वेलर जिनका नाम था जीन बेप्टिस्टे टेवर ते, ते, नायर जिन्होंने इंडिया में सिक्स टाइम्स ट्रेवल किया था उनको इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशंस बहुत ज्यादा पसंद आई थी वो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया और उन्होंने इंडिया को ईरान और ऑटोमैन एम्पायर से कंपेयर किया था फोर्थ जो फेमस राइटर एंड ट्रेवलर थे वो थे इटालियन डॉक्टर मानुसी जो कि वापस कभी यूरोप गए ही नहीं और इंडिया में ही सेटल हो गए एक बार आप देख लीजिए ये मैंने इस भी से बताया कि आप लोग देखो ना इफ यू विल सी दिस थिंग आपके माइंड में आ जाए देखो नोट्स आप लोग खुद भी बना सकते हो बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो उसमें काफी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विदाउट स्ट्रेचिंग मतलब ये कहा जाता है कि किसी चीज को बढ़ाने से अच्छे सीधा पॉइंट पे आना तो दीज आर द डायरेक्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक्स जो कि इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में दिए गए हैं आपकी एन सी आर टी बुक्स में देखिए मैं एक बार बता देती हूँ इन फिफ्टीन हंड्रेड ह्यूज नंबर ऑफ पोर्टुगीज अराइव इन इंडिया एंड वर अबाउट एंड रोट अबाउट सोशल कस्टम्स रिलीजियस प्रैक्टिस ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया पंद्रह सौ के दौरान ये देखा गया था काफी ज्यादा पोर्टुगीज इंडिया में आए हैं ट्रेवल के लिए उन्होंने सोशल कस्टम्स रिलीजियस प्रैक्टिस इंडिया के रीति रिवाज इनके त्यौहार और जो ट्रेड सिस्टम था साउथ इंडिया में उसके बारे में लिखा था ये जो नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें कुछ फेमस ट्रेवलर्स और राइटर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था और उनकी जर्नी है ठीक है जैसा मैंने आपको आ, रिपीट किया जेसोट्रॉबर्टो नॉबेली दुआरते बर्बोसा जीन बैप्टिस्टे टैवेरियन मन्नूसी ओके और उसके बाद ये चीज देखी गई थी कि सिक्सटीन हंड्रेड में काफी ज्यादा डच इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेवलर्स का इंडिया में आना जाना स्टार्ट हुआ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सोन कम अप नेक्स्ट टॉपिक्स।